हरियाणा के नारनौल के दोनगा अहीर की बेटी की नोएडा गुरुकुल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में गुरुवार को सीबीआई की टीम नारनौल सिटी थाना पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों ने यहां जांच के लिए 3 लोगों को बुलाया। लड़की की मौत के दिन इन तीनों की फोन से मृतका के परिजनों के साथ बात हुई थी। सीबीआई अधिकारियों ने इसको लेकर पूछताछ की। पुलिस पर लगे थे लीपापोती के आरोप। बता दें कि दोनगा अहीर गांव की एक लड़की नोएडा के गुरुकुल वेदधाम सोरखा में पढ़ती थी। 3 जुलाई 2020 को गुरुकुल में ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसका शव फंदे पर लटका मिला था। मौत को लेकर शुरू से ही विवादास्पद स्थिति बनी हुई थी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की पुलिस पर आरोप लगे कि वे इस मामले को लेकर लीपापोती कर रहे हैं। मृतका के परिजनों सहित क्षेत्र के लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। लड़की की मौत पर कई बार पंचायतें हुई। गांव दोनगा अहीर में भी कई बार पंचायत हुई। इसके बाद मामला सीबीआई तक पहुंचा। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद 11 जुलाई 2022 को सीबीआई की ओर से एसडी ऐश्वर्या भाटी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा एक सप्ताह पहले ही संबंधित जाँच के हिस्से के रूप में कागजात उपलब्ध करवाए गए हैं। 3 युवकों से हुई पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 4 महीने का समय दिया था। इसी मामले को लेकर सीबीआई के एसएचओ सुखविंदर सिंह और उनकी टीम गुरुवार को थाना शहर पहुंची। टीम ने यहां पर गांव पटिकरा के एक युवक सहित शहर नारनौल के 2 युवकों को बुलाया हुआ था। इन तीनों की बातचीत मोबाइल फोन द्वारा 3 जुलाई 2020 को ही मृतका के परिजनों के साथ हुई थी। इन तीनों को जाँच में शामिल किया गया, 2 घंटे बाद वापस भेजे। जांच में शामिल लोगों में पटिकरा के युवक के अलावा मोहल्ला शिवाजी नगर और मोहल्ला मोती नगर का भी एक एक युवक शामिल रहा। इन तीनों से सीबीआई ने करीब 2 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद तीनों को ही वापस भेज दिया।